अचो तो हाँ पीटीआई के जलसे थे इब्राहिम साहब जी अवं इस्लामाबाद में गच अरसो रहा हो हाँ भी रहो पाया ही पसवाल जो इलाको बुधाए पो जो उतें इन्हों के जलसे की इजाजत मिली है बड़ी अथन किसो पे भी पा इन गलोस को वो पावर शो पीटीआई वा कर वींदा जैसे करे था वन तो अज भी काफ़ी दिन पा चयोसई तो मे भी थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरमी हुई जैसे को वो पावर शो थे तो उनको को फायदो थी सके तो पीटीआई के पीटीआई के सियासी तौर पर बिल्कुल उनको फायदो थी सके तो उनको कारकुन जो वो मुतहरिक थी सके तो कारकुन में नव दोस्त जज्बो अची सके तो पर पीटीआई कें भी अड़े वे शो के जरिए इन हुकूमत या निज़ाम के लिए का मुश्किल पैदा नी कर सके। पीटीआई की बदकिस्मती है जो पीटीआई इन किस्म के उन अड़े जलसन के जरिए निज़ाम के डायण या हुकूमत के डायण जो कम तदें कही है जैसे उनके पोया बिल्कुल जो फैज जो नेटवर्क जो वो न हो वक्त जैसे असो इदारो चवे तो अज गाल रबा सियासी तौर पर न कें हामी मुखालिफ पूँ जनरल साहब जो पैरेलल नेटवर्क जै हलो पे जै सो सोशल नेटवर्क जो हलो पे जै पीटीआई के हलो पे जै इमरान खान है उनकी घरवाली मोहतरमा बुशरा साहिबा उनके हलो पे वो पा जो हिंसर पाबंद सलासल है उनके समझा तो उनको इन निज़ाम हुकूमत तो घट में घट असर नो यो असर जरूर थो जैसे पीटीआई के पी के समूरा वसीला इस्तेमाल करें मू गए वही तो उनको कारकुन जो है जो हकीकी जो थोड़ा बे परसेंट मुझे ख्याल नजरियाती कारकुन होंद जो लीडर वट नजरियो नयाद कारकुन भंजा वगैरह करण की बिल्कुल पोजिशन में न हूँ कर न सके एस ओ पी तैयार थे या इजाज नामो जो मशरू तैयार थो है हुकूमत के पी रिट जो कायम करनी है वफाकी दारुल हुकूमत में वह कही है उनके करण भी घुर्जे रुगो पीटीआई न पर केर भी जैसे अचे तो को बया इस्लामिस्ट के मजहबी धुरू अचन या केर भी अचन उन्होंने उनमें हुकूमत के आजाद होजन घुर्जे जैसे हुकूमत के आजाद ना कन उनके ख्याल करें घुर्जे इन किस्म के अफा तकलीफ पैदा न थन घुर्जे। सो यो जलसो वक्ती तौर पर को बटे मिनटन की या बटे दिन की ऑक्सीजन फ्राहम कह पर वरी भी जो सो मुस्तकबिल जो सो है वो पीटीआई जो वो फैसलो तदें थो जैसे इमरान खान वा केस में पास इमरान खान खुद जो सो कें फैसले पे पहुंच दो तो आया उनके सियासत जो सो है वो इन मुल्क की जाग्राफी हद अंदर जो प्रेसिडेंट्स या जो मफाहमत है या जो डायलॉग वो प्रोसेस है उन्हें में रही करे हिन निजाम मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत के फायदे जला करनी है या रुगो जो सो पॉइंट फिंगर करनी है जो सो कंखे निशानो बनानो है तो वो ते अगते हली माज साहब अवां के अंदर ऐसो इन जलसो अन्या थेणो आहे इब्राहिम साहब चंदा कुछ दिन जलाई ऑक्सीजन फराम करे सके तो ही जलसो बट माना मौजूदा निजाम जलाई को खतरनाक न होंदो आई नई को जैसे को वो भी शो थी वे तो कोई गाल प्रोसेस चूँ या बो चो तो को पीटीआई के को फायदो दई सके तो इन में तो को शक कोने को हिकड़ो जलसो का हिकड़ी माना न जलसी या वो जलसो उन से फर्क न पवो पर आ समझ तो इमरान खान पीटीआई वटी स्ट्रेटेजी है सीरीज ऑफ जलसा कन पाया डिफरेंट शहर में उनखा लाहौर में आए उनखा कराची में आए पिशावर में सो उनके जलसन की सीरीज है जहाँ वो बार बार बुधान पाया तो अस हाँ जलसा कदासी जैसे उनके जलसा करण दिना वह तो यो इन में को शक को मू न सिर्फ मोबालाइज कंदा पर जाहिर है जहाँ जड़े किस्म जहाँ हालात आज तुम ऐसो पे के पी में बलोचिस्तान में गवर्नेंस जी हालात आज वोडू आई सब कुछ उनको ही जो कें भी अपोजिशन पार्टी लाए ही आइडियल हालात मुल्क जहाँ इन में जैसे पीटीआई कैपिटलाइज करना चाहे थी पीटीआई जैसे पांजे मानन के मोबिलाइज करना चाहे थी तो ये उन बेहतरीन मौको है वह करे थी इन में कोई शक कोने हुकूमत वट इलाई वसीला होंदा हुकूमत उनके जो कुचले भी सके थी खत्म भी करे सके थी जलसा करण न भी दई सके थी पर जेकर इजाजत मिले थी पर मुझे ख्याल है तो पीटीआई के एतरो अनलिस्ट कोन छड़ियो वेंदो पीटीआई के जलसा करण कोन दिना वेंदा एक अद जलसो जेकरे कयूं तो भले करें जलसा कोन करे सकंदा छो तो या हुकूमत जे फेवर में गाल न वेंदी सो आऊं समझा तो ये जो पेड़ो जलसो है या मता वाटर टेस्ट कन उनके जलसो कर दिन पर वो सीरीज जो जलसा है जो उ क्यों तो फर्क पवो बाकी जलसे से मुझे ख्याल ना है तो कोई वो फर्क पवो वही माजिद साहब इब्राहिम कुमार साहब वहाँ की वही।